In this problem, we are given a meter rod of length 100 cm and mass 400 gram. आपसे कहा गया है कि इस रॉड के लेफ्ट एंड से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपका एक मास है 100 ग्राम का, ये रखा हुआ है। आपसे इस इन दोनों रस्सियों में टेंशन पूछा गया है, तो कैसे निकाला जाए? मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन है T1 और इस रस्सी में टेंशन है T2। इस रॉड का मास है 400 ग्राम, तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा 50 सेंटीमीटर पे कितना, कैपिटल एम जी। ये डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और यहां पर स्मॉल एम जी एक्ट कर रहा होगा, ये डिस्टेंस आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, हम कह सकते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हुआ कि ऊपर का T1 प्लस T2 माइनस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स को हमने जीरो कर दिया। दिस इंप्लाइज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, विच इंप्लाइज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कितना है, 400 ग्राम प्लस 100 ग्राम, दैट इज 0.5 kg। सो 0.5 इंटू जी इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 10 m/s². This is equal to 5 Newton. This implies T1 plus T2 is equal to 5 Newton. ये बन गया मेरा इक्वेशन है। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है, इसके ऊपर नेट फोर्स हमने जीरो कर दिया है, अब हमें बस किसी एक एक्सिस के अबाउट या एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो कर देना है। तो क्यों ना हम इस पॉइंट को ले लें जिसके अबाउट में टॉर्क जीरो कर रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करने का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करने से T1 का टॉर्क ऑलरेडी जीरो हो जाता है, तो मेरा जो दो वेरिएबल है T1 और T2 उनमें से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया है क्योंकि यहां से T1 का टॉर्क मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ए के अबाउट लिखता हूं, अबाउट पॉइंट ए, इसके बाद टॉर्क कितना होगा? इसके बाद टोटल चार फोर्सेस लग रहे हैं, तो T1 का टॉर्क तो जीरो हो गया, जीरो प्लस कैपिटल एमजी का टॉर्क। कैपिटल एमजी कितने डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एमजी। ये किस डायरेक्शन में है, ये ऐसे है आपका इनसाइड द स्क्रीन, प्लस स्मॉल एम जी कितने डिस्टेंस पर है, 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर इंटू स्मॉल एम जी, ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, प्लस T2 का टॉर्क कितना है, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय T2, पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय T2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज 0.5 एम जी प्लस 0.6 स्मॉल एम जी माइनस T2 इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 0.5 कैपिटल एम जी प्लस 0.6 स्मॉल एम जी विच इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स कैपिटल एम जी। कैपिटल एम है 40 ग्राम मतलब 0.4 kg, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इंटू जी 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम इज 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 1।
दिस इज इक्वल टू 2.6 न्यूटन। ये आ गया आपका टेंशन T2, T2 का वैल्यू आ गया 2.6 न्यूटन। और इसको अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें T2 की जगह तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू 5 माइनस T2 2.4 न्यूटन। ये आपके आंसर्स हैं, T2 इज इक्वल टू 2.6 न्यूटन और T1 इज इक्वल टू 2.4 न्यूटन।